मेरा नाम उस्मान है, मैं ब्लैकबर्न से बात कर रहा हूँ, जी शादी से बात करनी थी। अस्सलामुअलैकुम शाह जी। शाह वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी बहुत खुशी हुई आपको देख के यहाँ यूके के अंदर। मैं एक्चुअली रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ और आपकी महफिलें मैं पाकिस्तान में सुनता रहता था बचपन में, मुझे बड़ा शौक था। और आपकी याद है कि अब छोटे हुए आपकी कैसेट प्ले के हम आपकी रातों के ऊपर रिहर्सल करते थे। माशाल्लाह मैं और मेरा भाई बहुत इनात खान थे, तो आपकी नातों की कैसा की ड्रेस के ऊपर हमने नाच खानी शुरू की। आज बहुत खुशी हुई आपका मेरे यहाँ पे बहुत देख के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और आपका जी, जी। थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह आप भी बहुत से लोगों के आइडियल हो हैं। बल्कि आपको याद होगा सिकंदर साहब, जो हमने स्टार्ट किया था सिलसिला बच्चों का, तो मैंने ये बात महसूस की कि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़रा उनको तो वही जो माँ बाप ने सुनाया होगा उन्होंने याद यकीन करना है, तो मेजॉरिटी माशाल्लाह वही बच्चे थे जो कलाम आपने, नातिया कलाम जो आपका था, ये अल्लाह वही की बच्चे जो है मेहरबानी वो, है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैंने मुकाबला नात खानी भी की, उसमें मुझे मैं जज बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को सुनने का जब इत्तेफाक होता है तो अक्सर बच्चे जो हैं वो मेरा पढ़ा हुआ कलाम ही पढ़ते हैं। वाह, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। इंस्पायरेशन जी। उसकी आप वजह, उसकी वजह ये है, बहुत से जैसे ये भी फरमा रहे थे कि ये कोशिश करते हैं कि जब कलाम, नातिया कलाम जब सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा हो कि जिसमें मकाम रसालत को सामने रख के बिल्कुल वो बयान किया जाए, तो उस कलाम में इतना वजन बढ़ जाता है कि फिर हर शख्स उसको समझ में भी आती है असल में और कोशिश समीना, करते हैं उसको फॉलो अनफॉर्चुनेटली करें। कुछ जाहिर है कि हम लोग अकीदत में या मवद्दत में कुछ ज़्यादा आगे चले जाते हैं। जो उनने बात की वो बड़ी वैलिड बात है कि हम कभी अपना वो इश्क या जो अपनी मोहब्बत या अकीदत है उसका इजहार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं। कभी कभी हम इश्क रसूल में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि शान रसालत को शान खुदावंदी से भी बढ़ा देते हैं। और कभी कभी हम अपना जो कलाम, जो शोरा रात लिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात को मतलब कि उभारने के लिए कुछ वो ऐसे अल्फाज यूज़ कर देते हैं कि जो शान रिसालत को मैच नहीं नहीं करते। कहती। मैं आपको आपसे अर्ज़ करूं कि आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम आलिम दीन होने के साथ साथ अजीम शायर भी थे। आप फरमाते हैं कि नात लिखना ऐसे है जैसे तलवार पे चलना, बिल्कुल सही। तो उसमें आपको हर मतलब एक तरह, जेर जबर की जो जो गलती, और हाँ बहुत सारे नात खान हज़रात जो हैं ये सिकंदर भाई मुख्तलिफ महफिलों में जाने भी जाते रहते हैं, और मेरा भी इत्तेफाक हुआ कुछ महफिलों में जाने का या सुनने का। नात खान यहाँ पे लोकली या पाकिस्तान से भी इवन कुछ नात खान हज़रात दर है, जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने आपके दर वालदे ग्रामी बहुत बड़ा नाम मैं समझता हूँ कि मिलत इस्लामिया में, तो आपने उनसे सीखा बहुत कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब जिस तरह आपको सुन के शौक पैदा हुआ शुरू कर लिया, तो वो जब कलाम कोई बुक उठाई किताब, क्योंकि हमारी जब उर्दू में जब आप कलाम पढ़ते हैं तो उसमें जेर जबर नहीं होती, तो वो अक्सर औकात क्या होता है कि तलफ़ या जो जो हम पढ़ रहे होते हैं उसमें हम इतनी गलतियां कर जाते हैं, हम महफिल में जाके भी मुराद पढ़ के चले जाते हैं, ना सुनने वालों को समझ आती है और ना सुनाने वालों को समझ आती है कि ये कितनी बड़ी गलती करके गया। देखिए इसमें एक बच्चे का, मैं जो अगर आप बच्चे की मिसाल दे रहे हैं, बच्चे अगर इस नहीं मैं तरह की बड़ों की गलत, बात कर रहा हूं। हाँ अच्छा, अब ये है ना, वो बड़े चूंकि तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां करते हैं, तो बच्चा जब उनको सुनेगा तो वो कॉपी समझेगा कि करेगा, वही शायद इसका करेगा। तलफ़्फ़ुज़ यही है, हाँ बिल्कुल सही हालांकि बात। वो भी बड़ा भी गलत मतलब ये उस, ना कि सीखा नहीं है ना किसी से होता है, तो हाँ मतलब बस ये यही है कि अगर हाँ, जिस तरह आपने कहा कि आपको किसी जज बनाया गया तो आपको जज इसलिए बनाया गया कि इसलिए नहीं कि जाहिर है कि अगर तो सिर्फ सुर को सुनना हो तो बंदा उस्ताद हामिद अली खान साहब को जाके बिठा सकता है, लेकिन आपको बिठाने का मतलब सिर्फ यही था एज ए जज कि आप एक एक चीज़ को नोट करें, जो तलफ़ है कहाँ पे, जो अल्फाजी है, स्पेशली आगे अल्फाजी पे लोग मार खा जाते हैं। बहुत अच्छे नात खान है, बहुत अच्छी आवाज़ है, सुर भी है ताल भी है, लेकिन वहाँ जब अल्फाजी पे आते हैं तो फिर वो आके, क्योंकि उन्होंने शायरी की बुक ली होती है और उसमें से वो कलाम पढ़ा होता है, और बहुत सारे कलाम जो है वो आजकल चूंकि हर महीने नई जंत्री छापनी होती है उन्होंने, तो वो जो जंत्रियों में इस तरह का कलाम आजकल आ रहा है कि जो मतलब है कि अब मैं आपको बताऊं, एक मुकाबला नात खानी में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो यकीनन एक जज नहीं होता, जज होते हैं तीन चार जी जज हाँ जी होते हैं, तो एक जज ने एक नात खान को 10 नंबर दिए और कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और टोटल मार्क्स जो थे वो 10 ही थे, ठीक है। लेकिन आपने तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ की, तो लेकिन इसके बावजूद आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं आपको 10 में से 10 देता हूँ। तो मैंने कहा भाई जब इन्होंने तलफ़ुज़ में गलती की तो आप नंबर काट लेना इनके। मतलब ये को गाना तो नहीं गा रहे ना, नाच सही बात, पढ़ रहे, सच्ची सही बात बात। है कि ये तो बहुत बड़ी गलती है ना जी के इस मामले जज कह भी रहा है कि तलफ़ुज़ की गलतियां हैं, तो तलफ़ुज़ की गलतियों की वजह से मार्क्स कटने चाहिए। में।
आप 10 में से 10 दे रहे हैं, तो ये तो भी ज्यादती हो रही है उन दूसरे बच्चों के साथ के जो बिल्कुल सही तलफ्फुज के साथ नात पढ़ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो सही। उनके दिल पे लग गई होगी ना जो कॉलर एक हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब अवैस साहब हैं मेरे ख्याल में। जी अवैस, बात कर रहा हूँ मानचित्र से। जी जनाब, सबसे पहले तो टीम की पूरी टीम को, बुखारी भाई को, तुमिना आपको, सबको बहुत बहुत मुबारक के आप मेहमान को यहाँ पे दावत दी। और उसके बाद वीकेंड पे भी हम गए थे मस्जिद में इनका प्रोग्राम देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आपके वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मैं आपको खाली दो चीजें सुनना आपको बताना चाहता हूँ बुखारी भाई के। माशाल्लाह उस महफिल में बड़े बड़े नात खवान थे, बड़े बड़े नाम थे। अल्लाह पाक ने जब शाह साहब आए तो जो महफिल थी वहाँ पे बिल्कुल एक अजीब सा रंग बन गया। बिल्कुल सही बात है जी। बहुत अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इनको प्यारी आवाज दी है, तो हम भी उस खुश नसीबों में, एक मेरा नाम भी उम्रे के टिकट में निकल गया यहाँ पे मैनचेस्टर की। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस मोहब्बत का इजहार मेरे साथ की फरमाया है, अल्लाह आपको उसकी जिंदगी में बता रहा हूँ दिल से कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी वहाँ पे जितना महफिल थी सबका, वो सब लोग आपकी उससे बहुत माशाल्लाह हो। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी एक खास था आपसे कि अगर हो सके तो एक वो नात पढ़ लेना कि हम मदीने जाके वापस नहीं आएंगे। अच्छा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अवैस भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, माह सफ़र और ज़ाहिर है माह मुहर्रम और सफ़र को ख़ुसूसी तौर पर चूँकि अहल बैत के साथ नस्बत है और आज सफ़र की आखिरी तारीख बनती है इस हिसाब से, चांद के हिसाब से ज़ाहिर है 29 या 30, तो हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। जब वक्फे के बाद मैं चाहूँगा कि मनकबत अहल बैत और उसके बाद फिर ठीक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनकबत आपको सुना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा वक्फा है और उसके बाद दोबारा आपके इधर हाज़िर होते हैं। या नबी आपका नक्श पा चाहिए, दिल अकीदत के सजदों को बेताब है। या नबी आपका नक्श पा चाहिए। या नबी आपका नक्श पा चाहिए, दिल अकीदत के सजदों को बेताब है। या नबी आपका नक्श पा चाहिए। जी फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक पे जाने से पहले बुखारी साहब ने रिक्वेस्ट की थी फसीदीन सरवाली साहब से कि एक मनकबत अहले बैत जो है वो, चले पहले कॉलर हमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। सुमेना बहन कैसे हो? बिल्कुल ठीक, कौन बोल रहे हैं? शफीक बोल रहा हूँ लंदन से, काफी देर से होल्ड पे हूँ, 20 मिनट आई थिंक। अच्छा हम ब्रेक पे चले गए थे और जी फरमाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दिल वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात। वो फसीउद्दीन सरवदी साहब से बात करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। जी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। माशाल्लाह शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, तो मेरा तल्लुक वैसे मीरपुर आजाद कश्मीर से है। जी जी।
तो इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला आपको और जिंदगी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला और बुलंद दर्जात हूँ आपके। तो मैं आपका 20 साल से तकरीबन फैन हूँ, माशा तो आज मैं अभी खाना खा रहा था कसम से खाना छोड़ दिया है बाखुदा। तो बहुत आपकी नाते सुनी है हमने, तो मैंने टीवी का आवाज भी बंद कर दिया कि मेरी आवाज ना आपको आए। तो ऐसे मैं पहले भी टीएम में कुछ प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप कर सकते हैं तो। जी जी फरमाइए। आप कराची से बाहर निकले ना थोड़ा, तो फिर तो आपको दुनिया पता चलेगी ना। आप आजाद कश्मीर पे जाए ना, एक अरफाना क्लब आपका मैंने सुना था कलाम बहु, ठीक है जी। वो मेरे पास सारी सीडीज भी हैं और ऑडियो कैसेट भी हैं। आप ऐसा करें, अरफाना क्लब में सैफुल मुल्क है, मियां मोहम्मद बादशाह खड़ी शरीफ, उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एल्बम किया हजरत सैफुल मुल्क का। अच्छा जी हजरत। अच्छा आपने हाजिरी भी दी है उधर या नहीं? मैं बिल्कुल, मैं हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पे हाजिरी भी दे चुका हूं, और कई दफा। अच्छा? कई दफा नहीं, कई दफा हाजिरी दी है। हां नहीं, हम तो इधर काफी अर्से से ना, तो फिर पता तो नहीं चलता ना। और मीरपुर में भी मैंने प्रोग्राम किया है, और मीरपुर में कई दफा प्रोग्राम किया है। अभी बात सुना है कि अभी आप ये आ रहे हैं ना ईद मिलाद नबी, जी जी इंशाल्लाह आप लंदन में हैं? हां इंशाल्लाह मैं लंदन में हूं। आपका कोई मतलब मस्जिद में कोई मिलाद या? अभी मुझे पता नहीं कि लंदन में हमारे ये सिकंदर अयूब साहब चूँकि प्रोग्राम देते हैं, सिकंदर अयूब सरवर्दी साहब, तो मुझे इल्म नहीं कि मैं ईद मिलादुन नबी वाले दिन जो है वो प्रोग्राम लंदन में है या किसी और शहर में है, लेकिन मैं हूँ यूके में। अगर पता करना हो कि आपका प्रोग्राम किधर है तो आप अपना नंबर छोड़ दें शफीक साहब, तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे, रब्ता कर लेंगे आपसे सिकंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ने कहा जी आप जरा कराची से बाहर निकलें प्लीज। अब वो समझते हैं कि वो आप सिर्फ कराची की नाते सुना रहे हैं, तो वो खुद यहाँ पर हैं, उनको पता नहीं मैं मीरपुर कितनी दफा जा चुका हूँ। शाह साहब ने वॉल्यूम 13 गालिबन पूरा सैफुल मुल्क है। नहीं असल में पता है क्या मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो वो समझते हैं कि अगर कोई नात उर्दू में बंदा पढ़ रहा है तो शायद उसको सिर्फ उर्दू आती है, हालांकि शाह साहब ने जो कलाम पढ़ा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैफुल मुल्क का पूरा एल्बम किया, पूरा एल्बम किया है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे कि जनाब मैं खुद बहुत बड़ा आशिक हूँ जी मियां मोहम्मद भाई साहब का, और मैं पर्सनली उनके और मैं इनको शफीक साहब को इंशाल्लाह ज़रूर मियां साहब का कलाम सुनाऊंगा किसी प्रोग्राम में। मैं वही मैंने कहा ना जी मैं ज़रूर मैं खुद बहुत बड़ा आशिक हूँ उनका, और मैं पर्सनली मैं वहाँ पर बहुत सारी जुमे रातें जो है मैं जाता रहा हूँ, और वहाँ जाके जुमे रात को वो मस्जिद आप देख के ना जो बनी है वहाँ पे, तो वो उस मजार बहुत अच्छा बहुत बड़ा खूबसूरत बन गया। तो मैं ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में होता था, तो उस वक्त वो अभी मस्जिद बन रही थी, अभी हाल सिर्फ बना था, तो मैं वहाँ जाता था शाम को स्पेशली जुमेरात की रात गुजारने को, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो रात को लंगर शंगर खा के जब वो लेटते हैं ना तो नींद नहीं आती वहाँ पे किसी को, तो फिर क्या होता है कि एक उस कोने में लेटा हुआ है तो वो वहाँ से कलाम पढ़ रहा है, एक उस कोने में लेटा हुआ है जी जी तो जी। वहाँ बैठ मंजर मैंने देखा, पूरी रात आप मतलब एंजॉय करते हैं और ऐसे, और फिर जाहिर है कि ये वाहिद कलाम ऐसा है कि जिसकी बहुत सारी तर्दे हैं जी हाँ, इतनी कंपोजिशन जिसकी बनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर हर बंदा जो उसने अपने इलाके की कंपोजिशन बनाई है अपने अंदाज में, अपने अंदाज में बड़ा खूबसूरत लगता है वो सारा कुछ जी। कॉल रहे हैं एक कॉलर और हैं जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, ख्वाजा फहीम मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ जी। जनाब आपके मेहमान से सलाम अर्ज है कि अपना बाबा फरीदुद्दीन गंज शेखर का कलाम सुना सकते हैं? जी बिल्कुल जनाब, जरूर जरूर कोशिश करते हैं जनाब, थैंक यू सो मच जी। मनकपत की तरफ चलते हैं जी, उसके बाद जिसकी जुर्रत पर जाने रंगों को सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जाने रंगों को सजदे रमज़ाशनाए सिरे हु सजदे में है। ए हुसैन इब्न